पांच अनोखी बहुओं की एक सास। पंचवटी गांव में रहने वाली पद्मिनी पांच अनोखी बहुओं की साधारण सास थी। आखिरकार उसकी बहुएं थी ही इतनी अनोखी। पहली बहू पूर्वी के पैर लंबे तो हर्षिता के हाथ लंबे, गायत्री की गर्दन जिराफ जैसी तो सुगंधा की नाक तीखी और तेज, और श्रव्या के कान लंबे। सूरज सर पर चढ़ गया है, मगर मजाल है जो 10 बजे से पहले रसोई घर में कोई भी अपनी छाप छोड़ दे। अपने आप में बुदबुदाती हुई पद्मिनी सोफे पर पसर जाती है। कुछ देर बाद पांचों बहुएं अपने कमरे से बहार आती हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे काहे की गुड मॉर्निंग, पांच बहुएं होने के बावजूद भी बखत पर एक कप चाय नसीब नहीं होती। जाने कैसी बोड़म बहुएं पल्ले पड़ी है। वैसे सासू माँ, गुस्से में आपकी नाक न एकदम सुगंधा की जैसी लंबी लग रही है। हाँ माँ जी, और आपके कान तो एकदम मेरे जैसे लंबे चौड़े लग रहे हैं। आहा, मेरी अतरंगी बहुओ, बातों के महारत ही बनने से बेहतर अब काम काज कर लो। 10 बज चुके हैं। श्रव्या बहु, जाके मलखान के यहाँ से दूध ले आ। हर्षिता और पूर्वी, तुम लीपा पोती के काम में लग जाओ, और तुम दोनों रसोई घर का रास्ता नापो। जी माँ जी। इसके बाद श्रव्या अपने लंबे कान लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे गांव के प्रांगण में बैठी औरतें दिखती हैं। आज गांव की चुगली मंडली इतनी भोर सवेर ही शुरू हो गई, मुझे इनकी खुसर पुसर सुननी होगी। आखिरकार मेरे ये अनोखे कान किस काम के लिए हैं? श्रव्या कान लगाए दूरी बैठी औरतों की बातें सुनना शुरू कर देती है। अरे बहनों, पता है पद्मिनी ने तो अपने पांचों बेटों की बलि चढ़ा दी, बहू के नाम पर बलाए मर लिया है। बिचारे अपने बेटों के जीवन में आड़े तेरे अंगों वाली बहुए जो है उसकी। ये सुनकर श्रव्या गुस्से से बौहें ऊंची करके कहती है, ए चंपा काकी, एकदम कुत्ते की दुम जैसी हो तुम। लाख बातें सुन लेगी मगर चुगली करना नहीं, माँ जी को बताना पड़ेगा। श्रव्या सीधे घर आकर अपनी सास से एक की दो लगाकर उसे सब बताती है। क्या कहा, ऐसा कहा उस चुगलखोर चंपा ने? हाँ माँ जी, 100% सच। मगर मैं उसे क्या दोष दूँ जब मेरा ही सिक्का खोटा है। सही तो कहा उसने। अरे तुम पांचो इंसान लगती कहाँ हो, ऐसा लगता है बहु नहीं बनमानुस हो। पद्मिनी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक चंपा चिल्लाते हुए दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे ओ अतरंगी बेढंगी बहुओं की सास, कहाँ है, बाहर निकल। इस चुगल खोरनी चंपा की ये मजाल जो मेरे चौखट पर चढ़कर चिल्ला रही है, अभी मजा चखाती हूँ इसे। गुस्से में बिलबिलाती पद्मिनी अपनी चारों बहुओं के साथ बाहर आती है, जहाँ चंपा के बगल में सुगंधा खड़ी होती है। सुगंधा बहू, तू इस चुगल खोरनी के साथ क्यों खड़ी है? क्या कहा तूने? वही जो तूने सुना। अरे दिन भर डोलती हुई औरतों का जमावाड़ा लगाकर बैठ जाती है, और मेरी पांचों बहुओं का पोथी पतरा खोलकर अगड़म बगड़म बातें बनाती है। अरे इसमें गलत ही क्या है, पूरे गांव देहात से छिपा नहीं तेरी बहुओं में जो दोष है। एक अपनी जिराफ जैसी लंबी गर्दन से लोगों के घर में ताका झांकी करती है, तो ये श्रव्या अपने लंबे चौड़े कानों से दूर दराज की बातें सुनती है, और ये सुगंधा, इसकी तो बड़ी नाक ने पूरे पंचवटी गांव में नाक में दम किए रखा है। आज फिर मेरे घर में जानवरों की तरह घुसकर जुगाली करते पकड़ी गई है। वो माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे मालपुई कितने ज्यादा पसंद है, इसलिए उसकी खुशबू की खुमारी से मुझसे रुका नहीं गया। देख लियो पद्मिनी, किसी रोज तेरी ये लंबी नाक वाली बहुए तेरी नाक कटवा के मानेंगी। मैं पूछती हूँ, दुनिया की लड़कियों का हड़ताल पड़ गया था क्या, जो बहु के नाम पर अनोखे अंगों वाली बलाए ब्याह कर लाई है। ये सुनकर पांचवी बहु हर्षिता का पारा बढ़ जाता है, और वो अपने लंबे हाथ बढ़ाकर चंपा को एक चमेट लगाते हुए बोलती है, तब से जो जी में आए बके जा रही हो। अरे हमें दोष लगाने से पहले जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। पाओ भर के भेजे में दुनिया भर की चुगलियों का पिटारा भरा है, खुद का मुंह तो पकौड़े जैसा है, और हम पांचों में नुस्क निकाल रही हो। अरे मैयारी, अरे पद्मिनी, ये कैसी चांडाल बहू है तेरी, कितनी जोर का कंटप मारा है। क्यों चंपा चाची, कैसी लगी? अरे बहुत जोरों की पड़ी है, कानपुर से लेकर नागपुर तक झन्ना उठा है, यहाँ से खिसकना ही बेहतर है।
चंपा के चले जाने के बाद पद्मिनी अपनी बहुओं पर खिसियाते हुए कहती है, उसे पीटकर क्या हासिल हो गया तुम लुगाइयों को? इस हरकत से तुम पांचों ने साबित कर दिया कि तुम अव्वल दर्जे की नक्कारी नासपीटी हो। ऐसा कहकर पद्मिनी अंदर चली जाती है और पांचों बहुएं बोलती हैं, सासुमा को समझाना हम पांचों की समझ से परी है। वही तो, हम पांचों उनके पीठ पर बोल ही रही थी और बजाय हमारी पीठ थपथपाने के बजाय चार बातें सुना दी। अरे अनोखी बहुएं होने के बाद भी हम पांचों का हाल घर की मुर्गी दाल बराबर है। इसी के साथ बहुओं की बातें खत्म हो जाती हैं। समय गुजरता है, पांचों अनोखी बहुएं अपने कर्तव्य से सास का दिल जीतने की बेशुमार कोशिश करती हैं। बावजूद इसके पद्मिनी बेचारी बहुओं पर केवल कुड़कुड़ाती रहती। एक दिन कुछ लोग उनके गांव में घूमते हुए अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी बहुओं के लिए दो दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता खाना खजाना लेकर आया है सुनहरा मौका, जिसमें जीतने वाली बहू को प्राप्त होगा 50,000 का इनाम, तो भाग लेना ना भूले। सुनो सुनो सुनो। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वो बोलती हैं, अरे वाह, ये तो सचमुच में सुनहरा मौका है। हाँ, यही मौका है सासुमा की नजर में खुद को साबित करने का। हम पांचों इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उसी पल छिन्न पांचों बहुएं प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। उनकी देखा देखी गांव की बाकी बहू भी बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। दो दिन बाद सभी बहू गांव के मैदान में जमा होती हैं। हम पांचों ने प्रतियोगिता में भाग तो ले लिया, मगर करना क्या है? मेरी मानो तो अभी मौका है, पाओ पीछे कर लो। क्यों पूरे गाँव देहात के सामने अपनी सास की खिल्ली उड़ाना चाहती हो? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पांचों बहुएं आज आपका नाम ऊंचा करके दिखाएंगी। पूर्वी ऐसा कह ही रही थी कि तभी अनाउंसमेंट होता है, सभी बहुएं 5 जन का समूह बना लें। आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें एक बहू को खाना पकाना है, दूसरी को उस खाने को उस रेखा से उस पार पहुंचाना है बिना किसी आवाज के, वो भी केवल 7 कदम में, और 2 बहू के आंखों पर पट्टी बंधी होगी, जिसमें से एक को कदमों की आहट को भांपना है और 1 बहू को खुशबू से भाप कर खाने का नाम बताना है। गौर से सुनो हर्षिता, तुम्हारे हाथ हम सभी से लंबे हैं, इसलिए तुम इस रसोई के टेबल पर दूर रखे सामान को आसानी से उठा लोगी। और गायत्री, तुम्हारी गर्दन लंबी है, तुम्हें दूर का पास दिख जाता है, इसलिए तुम मुझे दोनों छोर की दूरी बताओगी, फिर मैं अपने लंबे पैर से 7 कदम में खाना पहुँचाऊंगी। और श्रव्य, तुम अपने कान को मेरे कदमों की आहट पर रखना, और सुगंधा, तुम्हें जल्दी से खाने की खुशबू भापनी होगी, समझी? हम समझ गए। पांचों बहुओं के अनोखे अंगों को देखकर सभी की बहुओं के चेहरे पहले ही पीले पड़ चुके थे। इधर हर्षिता दूर रखे सामान को लंबे हाथों से उठाकर झटपट मालपुए बनाती है। ये लो पूर्वी। गायत्री, जल्दी से गर्दन ऊंची करके दूरी देखकर बताओ। जेठानी जी, आपके लंबे पैरों के अनुसार सुगंधा और श्रव्या तक पहुँचने के लिए 5 कदम लगेंगे। पूर्वी मालपुए से भरा बर्तन लेकर 5 कदम में उनके पास पहुंचती है। श्रव्या अपने तेज कानों से उनके कदम गिन लेती है और सुगंधा अपनी तेज तीखी नाक से मालपुए का पता लगा लेती है। अब आप दोनों को बताना है कि कितने कदम में खाना आपके पास आया और खाने में है क्या? 5 कदम में। और खाने में मालपुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, आप पांचों इस खाना खजाना की विजेता हैं, आपको मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए। ये सुनकर पूरा गांव गड़ताली बजाता है, जिसकी गड़गड़ाहट सुनकर पद्मिनी फूले नहीं समाती। देखा माजी, हम जीत गई। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, आज तुम्हारी सास का सर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मेरी बहुएं दुनिया की भीड़ से अलग और अनोखी है। आखिरकार पांचों बहू का संघर्ष रंग ले आता है। आज पद्मिनी के साथ पूरा गांव पांचों बहुओं को गर्व का गढ़ मानता है। पटलीपुरम के छोटे से गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा चेहरे से बहुत सुंदर थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर थे। वो अपनी खूबसूरती और अपनी बेटी और अपने बेटे की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। वो गाँव के कई लोगों को तो बहुत कुछ सुना दिया करती थी, जिसके चलते हर कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। एक दिन राधा गांव की कुछ औरतों से कहती है, अरे देखो तो सही, लीला का दामाद कितना बोना लगता है, मुझे तो देखकर हंसी आती है। अरे साथ में चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी का बेटा चल रहा हो। अरे ये बात तो सच है, अरे दामाद तो एकदम ठाड़ा लंबा चौड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है।
तुम लोग देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो अपना दामाद कैसा लेकर आऊंगी। ऐसा दामाद लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं होगा। देखो बहन, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर तुम किसी को बुरा भला कहती हो तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। देखो, मुझे अपना सब पता है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, और मैं उन दोनों के लिए कैसा लड़का और ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि पूरे मोहल्ले में सब लोग देखते रह जाएंगे। राधा को अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। वो अपने बेटे और बेटी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बेटे और बेटी की शादी कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उसका बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये आपकी बहू है। अरे पागल, ये तो क्या बकवास कर रहा है, इतनी काली लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हो, काले लोग क्या इंसान नहीं होते, क्या इनके अंदर दिल नहीं होता। अरे बेवकूफ, मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी मैं किसी चांद के टुकड़े से करवाऊंगी। देखो माँ, मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है। ऐसा कहकर कुणाल जबरदस्ती सुप्रिया को घर में ले आता है, जिसके बाद राधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कई दिनों तक कुणाल से बात भी नहीं करती। एक दिन राधा अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, अरे देखो, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर गली मोहल्ले में से हमारे घर पर कोई आए तो उसके सामने अपना मुंह ढक लेना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँ, मुझे अपनी रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुणाल जी को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मुझे लोगों को दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर सुप्रिया घर के कामों में लग जाती है। वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हे भगवान, अब कौन आ गया। अरे सुप्रिया, जाकर एक बार दरवाजा तो खोलना, देखो जरा कौन आया है। सुप्रिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद तमन्ना एक बौने आदमी के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर सुप्रिया अपने मन ही मन कहती है, अरे बाजी वाह, देखो तो सही, माँ जी की बेटी ने तो एक बौने लड़के से शादी कर ली, अब देखती हूँ माँ जी का रिएक्शन कैसा होगा। तभी सुप्रिया राधा को बुलाती है। जैसे ही राधा दरवाजे पर अपनी बेटी तमन्ना को एक बौने लड़के के साथ देखती है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए तमन्ना से कहती है, हे भगवान, तमन्ना ये तूने क्या किया, तू इस बौने आदमी के साथ शादी कैसे करके आ सकती है, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई, कम से कम अपनी नहीं तो अपनी माँ की इज्जत रख लेती। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये आपके दामाद है, कम से कम इनसे तमीज से बात करो। अरे मुझे छोड़, ये बता तुझे तमीज है, तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है। अरे मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अरे अपनी माँ की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। माँ देखो, ये आपका दामाद है और अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता, मेरी शादी हुई है इनसे। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देती हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। राधा मजबूर हो जाती है और अपनी बेटी को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बौने दामाद और अपनी काली बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई रोते हुए अपने आप से कहती है, मैंने क्या क्या सोचा था अपने बेटे और बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं कितना मजाक उड़ाती थी, मैं गांव के सभी लोगों का और काली बहू का, और आज मेरे ही घर में एक बौना दामाद और एक काली बहू है। बेचारी राधा बहुत ज्यादा परेशान रहती है, वो अपने दामाद और अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली जाती। हे भगवान, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ, अगर कोई देखेगा तो मुझे कई बातें सुनाएगा। राधा एक ऐसी गली से गुजर रही होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तभी उस गली से 3-4 औरतें आ रही होती हैं, जो राधा को देखकर कहती हैं, अरे देखो तो सही, ये तो राधा बहन है, ये तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाया करती थी ना, बोने लोगों को देखकर और काली बहू को देखकर। आज तो इसके घर में भी एक बोना दामाद और एक काली बहू आ गई है। हाँ हाँ, उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बोल रही थी, चलो जरा इसके पास चलते हैं। जैसे ही वो उसके सभी पास जाते हैं, राधा से कहती है, क्या हुआ राधा बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने दामाद और अपनी बहू ऐसी लेकर आओगी जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं है। अब तो तुम्हारे घर में भी एक बोना दामाद और काली बहू आ गई है, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी तो कहते हैं इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए,
इंसान के साथ कब क्या हो जाए उसे खुद नहीं पता होता। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उन सभी से कहती है, तुम सभी सच कहती हो, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें कभी किसी के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर राधा वापस अपने घर लौट आती है और अपने दामाद और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और सबकी खूबसूरती उनके चेहरे या उनके शरीर से नहीं दिखती, सबकी खूबसूरती उनके मन से होती है। अगर इंसान का मन साफ और वो नेक दिल का है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाया जाता। इसलिए किसी की खूबसूरती और किसी के शरीर को देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। ब्रिजेश और रमा देर रात जागकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजी, कौन से सोप के सागर में डूबे हुए हो? कुछ नहीं रमा, दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उन्हीं के ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। अरे, दो बेटियों के ब्याह की बात कहाँ से आ गई? वो संध्या हमारी बेटी थोड़े ही है, भाई साहब की बदौलत बला बनकर हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी, उसका ब्याह करना भी तो हम दोनों दंपत्ति के हाथों लिखा है। अरे, उस बला का ब्याह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो। और रही बात अपनी बिटिया के ब्याह की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। अरे काहे चिंता करती हो, स्मृति की शादी पूरे शानो शौकत के साथ होगी। दोनों दंपत्ति भतीजी और बेटी के ब्याह के बीच का अलगाव उनके सौतेलेपन को सांचे में ढाल रहा था। संध्या अपने चाचा चाची ब्रिजेश और रमा और उनकी बेटी स्मृति के संग रहती थी। बचपन से ही रमा और ब्रिजेश संध्या से सारा काम काज कराते, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती थी। संध्या अब सयानी हो चुकी थी, सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। संध्या, ये सुनील है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्मृति, ये अनुराग है, छोटा परिवार शहर में बड़ा कारोबार है, जैसा तेरा सालों का सपना था। वैसे संध्या, सुनील की भी किराने की बड़ी सी दुकान और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़ कर झूठा बखान क्यों रच रहे हैं? मुझे संध्या से खुद बात करनी होगी। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा संध्या जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए संध्या सुनील एक कमरे में आते हैं। सुनील हिचकते हुए कहता है, संध्या जी, शादी को लेकर हर लड़की कई सपने संजोती है। मैं बतौर एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। आप अगर अपने पांव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहाँ सभी स्नेह से रहते हो। संध्या के सच्चे स्वर सुनील के हृदय रूपी घर में गहरी छवि छाप छोड़ते हैं। एक ओर तो ब्रिजेश और रमा साधारण तौर से संध्या का ब्याह कर देते हैं, वहीं स्मृति की शादी शानो शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के साथ दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात सुनील संध्या से कहता है, संध्या, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था, खोल कर देखो। जैसे ही संध्या डब्बा खोलती है उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी, तोहफे तन से नहीं मन से सस्ती है। मुझे ये तोहफा आपने तहे दिल से दिया है, पसंद कैसे ना आता। जहाँ एक ओर सस्ती साड़ी में भी संध्या की खुशियाँ परवान पर थी, वहीं एक झलक स्मृति पर प्रतिबिंबित करते हैं। Hey, my beautiful wife, this gift for you, gorgeous. स्मृति बेसब्री से बॉक्स खोलती है जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरो का हार, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। स्मृति, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। वो अनुराग, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना। तो अब महंगे तोहफों की आदत डाल लो, तुम्हारा पति इस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है।
दोनों बहनों की शादीशुदा जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहां स्मृति देर सवेर उठती, वहीं संध्या सूर्योदय के साथ उठकर घर बार के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। सुनील संध्या के लिए अक्सर घर लौटते हुए कचौड़ियां जलेबी लाता, वहीं अनुराग स्मृति को 5-स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्मृति संध्या के ससुराल आती है। किससे मिलना है बिटिया? संध्या यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही संध्या का ससुराल है। मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे पिंकी जा, जाकर चाची को खबर दिया कि शहर से उसकी बहन आई है। संध्या दौड़ती हुई बाहर आकर स्मृति के गले लगकर कहती है, स्मृति आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। संध्या स्मृति को अपने कमरे में लाती है। स्मृति अटपटा सा मुंह बनाकर चारों ओर ताकने लगती है। क्या हुआ स्मृति, इतनी देर से क्या निहार रही हो? संध्या, ये है तुम्हारा ससुराल? इतने बिच्चम बिच्चे कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और इससे चार गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी न हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही है, मुझे देखो। स्मृति, ये साड़ी हल्की है इसीलिए पहनी है। अरे ये बहानेबाजी बनाना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं। मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं। मगर जीजा जी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ वो गांव के बनिया और कहाँ अनुराग शहर के सफल बिजनेसमैन है। स्मृति अपनी अमीरी का बखान करके संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी कांता वहां आकर कहती है, संध्या बहू, पानी खत्म हो गया, सांझ होने से पहले पानी ले आओ। संध्या गागर उठाए अपनी बहन के साथ नदी की ओर बढ़ने लगती है। अरे संध्या, और कितना दूर जाना है? बस स्मृति, ये पुल का पड़ाव पार करते ही नदी शुरू हो जाएगी। ये लो, सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर दराज आना पड़ता है? मेरे तो पैर कुमला गए। अरे मैं तो 4 कदम भी पैदल नहीं चलती। अनुराग ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है, ताकि मुझे पैदल ना चलना पड़े। पैसे के बिन जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? स्मृति, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूजे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार संध्या, ये बेफुसूल के प्रवचन देना बंद करो। अरे इन दो दकियानोसी शब्दों से हम दोनों बहने सिमिलर नहीं हो जाएंगी। जीजा जी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पैसे की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर अनुराग हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद मुझे 5-स्टार होटल में ले जाते हैं। आए दिन महंगे तोहफे, और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है। मगर जीजा जी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते। जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस स्मृति, तुम मेरी बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ससुराल की बेइज्जती करो। परिवार का प्यार बेहद बहुमूल्य है, रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं मेरी बहन। संध्या के बोली सुनकर स्मृति कार में सवार होकर शहर आ जाती है। स्मृति कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ अनुराग, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? स्मृति, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर्स साइन करवा लिया, साथ ही अपनी अमीरी की धौंस से मेरी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने इस बुरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, हमें ये घर भी दांव पर लगाना होगा। स्मृति को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ उसकी गरीब बहन संध्या के स्वर गूंज रहे थे। आज स्मृति का अहंकार चूर चूर हो चुका था, उसे परिवार और पैसे दोनों के बीच का फर्क पूरे तौर से समझ आ गया था। आज स्मृति का संसार संध्या से भी कहीं ज्यादा दूभर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है, अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शायद ये ईश्वर की लाठी ही थी जो स्मृति पर पड़ी थी।
जिसे आज वह घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने को बेबस थी। ये थी हमारी अमीर गरीब बहनों की एक झलक। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में रमेश अपनी पत्नी शारदा और अपनी पांच अनोखी बेटी राधा, सोनम, शगुन, आरती, ममता के साथ रहता था। उसकी पांचों बेटियों के अंदर एक अनोखी खूबी थी, किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, वहीं किसी के अंदर आग वाली शक्ति। रमेश मुखिया के खेतों में खेतीबाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता था। एक दिन वह शारदा से कहता है, अरे शारदा, अब मैं तुझे क्या बताऊं? एक तो काम सही से नहीं चलता और फिर मुखिया पैसे देने में भी आनाकानी करता है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये सताती है कि मैं अपनी पांच अनोखी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। अरे कौन करेगा इनसे शादी? देखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे रहा तो पता नहीं अपनी बेटियों की शादी कब करूंगा। वह इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई साहब, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। तुम बताओ अपनी, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे हमारे गांव के हरिश्चंद्र भाई साहब के पांच बेटे हैं और वो अपने पांचों बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन पंडित जी, हरिश्चंद तो बहुत अमीर आदमी है, उसे तो अपने बेटों के लिए एक से एक लड़की मिल जाएगी, फिर मेरी बेटियां ही क्यों चुनी उन्होंने? अरे रमेश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें गरीब और संस्कारी लड़कियां चाहिए जो कि तुम्हारी बेटियां हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हमारी बेटियां तो भाग्यशाली होंगी उस घर के बेटों से शादी करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं और अपनी पांचों बेटियों को बुलाकर कहते हैं, तुम पांचों को मैंने बहुत ही मेहनत से पाला है। तुम पांचों बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है कि तुम सदा जिंदगी में खुशी रहोगी। हाँ बेटी, वहाँ जाकर अपने इन गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? बेटियाँ कभी अपने माँ बाप को भूलती हैं क्या? मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आती रहूंगी। देखो पिताजी, मैं नहीं जानती कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, लेकिन आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है तो वो जरूर ठीक ही होगा। अरे वाह, अब हमारी शादी होने वाली है, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके पास ही रहना चाहती हूँ। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसे इनकार मत करो और खुशी खुशी शादी करके यहाँ से विदा हो जाओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही है। रमेश अपनी पांचों बेटियों को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में उसकी पांच बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी पांचों बेटियों के अंदर एक खासियत होती है, किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, किसी के अंदर आग वाली शक्ति। उनकी शादी के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो भी उन्हें देखने आता वह उन पांचों की सास उर्मिला से हंसते हुए कहने लगता, अरे उर्मिला बहन, पूरी दुनिया में तुझे ये पांच अतरंगी बहुएं ही मिली, जरा इनके अंदर देख तो सही क्या खूबी है जिसे देखते ही तूने शादी करवा दी। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कहती है, तेरे बेटे बहुत अच्छे हैं और तूने इतने अजीब लड़कियों से उनकी शादी करवाई है। देखिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके चेहरे या उसके अंदर की कमी से कुछ नहीं होता, और मेरी पांचों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी सास का ये जवाब सुनकर वह पांचों बहुत खुश होती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद अचानक से उर्मिला के पांचों बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान पहुँच जाता है। अब मैं क्या बताऊं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ यहाँ नौकरी ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही,
मैं भी कई ऑफिस में गया लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। अब हमारा घर किस तरह चलेगा? अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। अरुण, हम ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन पांच भाइयों की ये बातें वो पांचों राधा, सोनम, शगुन, आरती और ममताज सुन लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पतियों की मदद करने के लिए सोचती हैं। अगर हम पांचों मिलकर अपने पतियों और अपने सास ससुर की मदद करें तो ये घर पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने गरीब देखते हैं कि हमें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। इसी से मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना हम लोगों को अपने अजीब गरीब होने की वजह से मनोरंजन करना शुरू करें, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का पता अगर घर वालों को चल गया तो वो हमें क्या कहेंगे? उस बात की टेंशन तुम मत लो, हम इस गाँव में नहीं दूसरे गाँव में जाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस दिन के बाद से रोज वह पांचों पहले दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी अपनी खूबियों से कुछ ना कुछ करके दिखाती और आग से उन्हें छोटे मोटे जादुई करतब करके दिखाती, जिससे लोग उन्हें पैसे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक खूब सारा पैसा कमा लेती और वापस जब घर लौटती है तो वह सारा पैसा लेकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुम पांचों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ जी, हम पांचों बहनों को एक सिलाई कंपनी में काम मिला है, वहीं से हमें ये पैसा भी मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अब हर रोज वह पांचों दूसरे गांव में जाकर करतब दिखाती और पैसा कमाकर अपनी सास को दे देती, जिसकी वजह से उनका घर चल पा रहा था। एक दिन जब वह पांचों दूसरे गांव में करतब दिखा रही होती हैं, तो उन पांचों के पति उसी गांव में काम ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह पांचों वहां पहुंचते हैं, वह अपनी पत्नियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही शाम को उन पांचों की पत्नी आती हैं, वह अपनी माँ को बुलाकर उनकी हकीकत अपनी माँ के आगे रखते हैं। अब बस यही दिन तो देखने के लिए रह गया था, हमारी पत्नियाँ लोगों को सर्कस दिखा रही हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे कोई चोरी तो नहीं कर रही और किसी की दो बातें तो नहीं सुन रही? जो कर रही हैं अपनी मेहनत का काम कर रही हैं। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर नाज है। उर्मिला अपने पांचों बेटों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सब देखकर उसकी पांच बहुएं बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से वह पांचों अपने ही गांव में करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उन पांचों के पतियों की नौकरी लग जाती है तो वह पांचों ये काम छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक औरत अपने पति को धक्का देते हुए कहती है, विक्रम तुमने मेरे साथ धोखा करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाया, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें इतना चाहा और उसका तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ऐसे मत बोलो, मुझे बस एक मौका दे दो, प्रॉमिस, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। क्यों आए हम तुम्हारे पास वापस? ताकि तुम भी मुझे मार डालो और मेरी बच्ची को भी? नहीं नहीं स्वाति, ऐसे मत बोलो, मैं अपनी बच्ची और तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं सच में तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल तुम पर भरोसा करने के लिए अब नहीं कह रहा। आखिर दोनों पति पत्नी में किस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी और विक्रम ने किसको मार डाला था? आखिर इस मुश्किल घड़ी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। देहरादून के एक छोटे शहर में प्रिया नाम की लड़की फुटपाथ पर फूल बेचा करती थी। ऐसे ही ट्रैफिक जाम होने पर वो सिग्नल पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए आती है और कहती है, साहब साहब ये फूल खरीद लीजिए, देखिए ना ये बहुत अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं। ले लीजिए, सिर्फ 50 का है गुलदस्ता। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी प्रिया विक्रम की कार की ओर बढ़ती है और शीशा खटखटाती है, जिससे वो शीशा नीचे कर लेता है और प्रिया कहती है, साहब साहब ये गुलदस्ता ले लीजिए, गुलाब का लीजिए ना आप, ये बहुत अच्छा है और ये ताज़ा भी है और सस्ता भी है साहब, ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भला मैं ये गुलाब का फूल किसे दूंगा, ना मेरी पत्नी है ना कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं चाहिए। अरे साहब ले लीजिए ना, बहुत सस्ता है
आप किसी को भी दे देना, जो भी आपको खूबसूरत लगता है। अच्छा ऐसी बात है, तो दीजिए। और ये आपके पैसे। अरे वाह, गुलाब के फूलों की महक बहुत ही अलग है। जी साहब। तभी प्रिया से गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसे ही देते हुए कहता है, मेरे लिए आप खूबसूरत हैं, इसलिए मेरी ओर से ये गुलदस्ता आपके लिए। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों, क्या मैं आपको गुलदस्ता नहीं दे सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दे सकती है। शुक्रिया। सिग्नल ऑन हो गया है, मैं चलता हूँ। ये कहकर विक्रम अपनी कार चलाकर चला जाता है। पहली बार प्रिया के दिल में कुछ प्यार जैसा एहसास हुआ था। वहीं विक्रम को भी प्रिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन जब वो फिर उसी रास्ते से गुजरता है तो उसे गुलाब के फूल ले लेता है और फिर से उसे ही दे देता है। ऐसा वो 2-3 बारी करता है। तभी 5वें दिन प्रिया उससे कहती है, आप रोज मुझसे फूल खरीदते हैं और रोज मुझे ही दे जाते हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अरे वो इसलिए क्योंकि आप मेरी स्पेशल वन है, इसलिए कल रात 8 बजे आप मुझे यहीं मिलना। और हाँ, अच्छे से रेडी होकर आना। ठीक है। ऐसा कहकर प्रिया जब सादा सा सूट पहनकर और झुमके डालकर तैयार हो जाती है तो खुद को आईने में देखकर कहती है, मुझे विक्रम बहुत अच्छे लगने लगे हैं, आज मैं उन्हें अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। उस शाम जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो डिनर करते वक्त उसे देखकर विक्रम कहता है, प्रिया तुम्हारी सादगी से मुझे बहुत प्यार है, तुम आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो, फिर भी इतनी खूबसूरत हो, सच में तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे पगली रोना बंद करो वरना शादी नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना विक्रम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी विक्रम खुशी से उसे गोद में उठा लेता है। अगले दिन वो दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद 2-3 महीने तक सब अच्छा चलता है। पर अचानक से विक्रम का मन प्रिया से हट जाता है। एक रात प्रिया उसके गले लगकर कहती है, विक्रम कितना टाइम हो गया, हम साथ में बाहर कहीं नहीं गए, शादी से पहले ही गए थे डिनर पर, अब चले क्या? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, दूर हटो मुझसे। आजकल आप इतना दूर दूर क्यों रहते हैं मुझसे? देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूल जाना, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ। विक्रम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, स्वाति कौन है, भूल जाइए उसे। अरे वो मेरा पहला प्यार है जो जिंदगी में वापस लौट आया है और अब मैं उसी के पास जा रहा हूँ, हटो यहाँ से। प्रिया विक्रम को बहुत समझाती है, मना करती है, पर विक्रम नहीं सुनता। वो उसे रोकती है कि विक्रम उसे धक्का दे देता है जिससे वो खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। ये देखकर विक्रम कहता है, ये मुझसे क्या हो गया, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं स्वाति के साथ दूसरे शहर में रहूंगा। तभी विक्रम स्वाति के साथ दूसरे शहर आकर उससे शादी कर लेता है। कुछ समय बाद स्वाति के एक छोटी सी बेटी होती है। दोनों अपनी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। विक्रम जानता नहीं था कि उसका अतीत उसके पास वापस लौट आया है। जब वो दोनों सो रहे थे तो प्रिया चुड़ैल परेशान करने के लिए उसकी चादर को खींच लेती है। चादर को पकड़ने के लिए आंखें खुल जाती है। चुड़ैल चादर लेकर चली जाती है कि विक्रम भी चादर के पीछे पीछे जाता है। अरे ये अपने आप यहाँ कैसे आ गई? विक्रम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। विक्रम मैं वापस आ गई तुम्हारे पास, देखो। प्रिया तुम वापस कैसे आ सकती हो, तुम तो मर गई थी ना। तुमने मुझे मार डाला था विक्रम, अब मैं तुमसे उसका बदला लेकर ही रहूंगी, तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चे को भी मार डालूंगी, उसी के लिए तुमने मुझे मारा था ना। नहीं 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 प्रिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो गलती से धक्का लगने की वजह से तुम गिर गई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे ढूंढते हुए स्वाति उसके पास आ जाती है और कहती है, विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सोने चलते हैं, और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं। अगले दिन सुबह होती है, जब स्वाति रसोई में खाना बना रही थी तो चुड़ैल उसका पल्लू लेकर गैस पर रख देती है जिससे आग लग जाती है और स्वाति चिल्लाने लगती है, विक्रम विक्रम बचाओ, यहाँ पर आग लग गई है, मेरे पल्लू में विक्रम। तभी विक्रम आकर उसे बचा लेता है और चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आज तो तुमने अपनी पत्नी को बचा लिया, लेकिन आगे कैसे बचाओगे?
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। अगली बार के लिए तैयार रहना। ये बोलते ही वो गायब हो जाती है। कुछ देर बाद स्वाति कहती है, विक्रम मैं खाना बना रही हूँ, गुड़िया रो रही है, उसे जाकर संभाल लो। ठीक है जाता हूँ। विक्रम जैसे ही अपने बच्चे के पालने के पास जाता है तो उसमें गुड़िया नहीं दिखती और वो चलाते हुए कहता है, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहीं प्रिया ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? प्रिया मेरे बच्चे को वापस लौटा दो प्रिया। तभी उसे चुड़ैल की आवाज आती है, चंदनिया छुप जाना रे, चन भर को रुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जा। देखो तो विक्रम, तुम्हारी बेटी को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है, अब बारी तुम्हारी है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो एक्सीडेंट था, मेरी बच्ची को छोड़ दो प्रिया। तभी वो सारी बात स्वाति सुन लेती है और कहती है, विक्रम तुम किसी की भी जान ले सकते हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तुमने मुझसे छुपाया, ये सब मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विक्रम, देखिए इसकी सजा मेरी छोटी सी बच्ची को मत दीजिए, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मुझे दे दीजिए इसे। मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं कि इसके पापों की सजा एक छोटी सी बच्ची को दूं। तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, अभी मैंने इसे लोरी गाकर सुलाया है, ये लो। ये कहते ही चुड़ैल स्वाति की बेटी उसे वापस लौटा देती है। तुम मेरी सौतन हो, इसने तुम्हारे लिए ही मुझे छोड़ दिया और मुझे मार डाला, विक्रम ने मुझे धक्का दिया था, तभी आज मैं एक चुड़ैल हूँ और इधर से उधर भटक रही हूँ। प्रिया मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। विक्रम मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को अकेले भी पाल सकती हूँ। स्वाति मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि मुझे मेरी बेटी और तुमसे हाथ धोना पड़े, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसकी यही सजा होनी चाहिए, अब मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेले तड़पना, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो और न ही स्वाति के। विक्रम का रोता हुआ देख चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चली जाती है, साथ ही स्वाति भी अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है और विक्रम अकेला उस घर में रह जाता है।